गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 11, द माउस गर्ल। वंस अ क्रो कॉट अ माउस, एक बार की बात है कि एक जो क्रो होता है वो एक माउस को पकड़ लेता है एंड फ्लू अवे विद इट, और उसके साथ वो उड़ जाता है। एज इट वॉज फ्लाइंग अबव हिल, जैसे कि वो एक छोटी सी जो पहाड़ी है, हिल होता है छोटी पहाड़ी, उसके ऊपर से गुजर रहा होता है, द माउस ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स क्लोज। जो वो माउस होती है वो उसके क्लोज में से, क्लोज होता है पंजे से, ड्रॉप हो जाती है, लाइक नीचे गिर जाती है। द माउस फेल नियर द कॉटेज ऑफ अ सेंट, जो माउस होती है वो जाके कहाँ गिरती है, कॉटेज के पास। कॉटेज किसको बोलते हैं, एक हट को जो एक साधु की थी। सेंट मीन्स साधु। इट वॉज बैडली वाउंडेड, वो बुरे तरीके से जख्मी हुई होती है। द सेंट सॉ द वाउंडेड माउस, जो सेंट होता है उस जख्मी हुई माउस को देखता है, ही पिकड इट अप, वो उसे उठा लेता है, नर्स्ड इट फॉर मेनी डेज, और काफ़ी दिनों तक उसकी देखभाल करता है। नर्स होता है नर्सिंग करना, किसी की देखभाल करना। एट लास्ट द माउस वॉज वेल अगेन, और अंत में जो माउस होती है फिर से ठीक हो जाती है। नाउ द सेंट सेड टू द माउस, अभी जो सेंट है वो माउस को कहता है, माई चाइल्ड यू मे गो बैक टू योर होल, मेरे बच्चे आप वापस अपनी होल में जा सकते हो, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो तो। बट टेल मी इफ़ यू वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम मी, बट फिर भी अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो। होली फादर सेड द माउस, वो जो माउस है वो उनको कहती है, होली फादर, डियर फादर, वी माइस हैव ग्रेट फियर ऑफ कैट्स। वो कहते हैं कि हम जितने भी जो माइस हैं हमारे, उन सबको, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको कैट से डर रहता है। कैट्स ऑल्सो हैव फियर ऑफ डॉग्स, वो जो कैट्स हैं उनको डॉग से फियर रहता है। डॉग्स हैव फियर ऑफ वॉल्व्स, सो जो डॉग्स हैं वो किससे डरते हैं, फियर होता है डरना, वो किससे डरते हैं, वॉल्व्स से। ओके, एंड वॉल्व्स जो है एक वाइल्ड एनिमल है, तो वॉल्व्स हैव फियर ऑफ मैन, वो वॉल्व्स किससे डरते हैं, वो मैन से डरते हैं, ह्यूमन बीइंग से डरते हैं। ओनली मैन हैव नो फियर ऑन दिस अर्थ, सो वो जो माउस है वो कहती है कि सिर्फ मैन ही हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिनको कोई डर नहीं है इस धरती पे, सो प्लीज चेंज मी इनटू ह्यूमन फॉर्म। तो वो कहती प्लीज़ आप मेरे को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर दें, मेरे को ह्यूमन बीइंग्स बना दें। आई मीन सेड द सेंट, मे इट बी एज यू विश। सो जो साधु है वो कहते हैं आई मीन, ऐसे कह के वो कहते हैं कि जैसे भी आप चाहते हो वैसे हो जाए। एंड एट वंस द माउस चेंज्ड इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर तभी जो माउस है वो एक ब्यूटीफुल गर्ल के रूप में चेंज हो जाती है। दिस माउस वॉज अ शी, अब वो जो माउस थी अब वो एक लड़की बन जाती है। नाउ आर यू हैप्पी माई चाइल्ड, सेड द सेंट। अब उसे इंक्वायरी करता है, क्वेश्चन करता है कि अभी आप खुश हो मेरे बच्चे। फादर सेड द माउस गर्ल, वो जो माउस गर्ल है वो कहती है, फादर यू हैव मेड मी यंग एंड ब्यूटीफुल, आपने मेरे को बहुत ही सुंदर बना दिया है, यंग बना दिया है, नाउ प्लीज़ फाइंड मी अ गुड हस्बैंड ऑल्सो। अब वो कहती फिर आप मेरे लिए एक अच्छा सा हस्बैंड भी ढूंढ दो। आई विश माई हस्बैंड शुड बी अ मोस्ट पावरफुल वन, वो कहती अब मेरी ये विश है कि जो मेरा हस्बैंड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। द सन इज़ वेरी पावरफुल सेड द सेंट, साधु कहता है कि सन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। डू यू वॉन्ट टू मैरी द सन, क्या आप सन से मैरी करना चाहोगे, शादी करना चाहोगे। आई कैन चेंज यू इन टू अ मूनलाइट इफ यू वॉन्ट टू बी द सन्स ब्राइड, वो कहते हैं कि मैं अभी आपको मूनलाइट में चेंज कर देता हूँ, अगर आप सन की ब्राइड बनना चाहते हो, चांद की रोशनी में बदल देता हूँ, मूनलाइट होता है चांद की रोशनी, अगर आप सन से सन की ब्राइड बनना चाहते हो, उसकी दुल्हन बनना चाहते हो। बट फादर सेड द माउस गर्ल, अब वो माउस गर्ल कहती है, फादर लुक एट दैट क्लाउड, अभी आप उस बादल को देखिए, इट हैज़ कवर्ड द सन, इसने अब सन को कवर कर लिया है। आई थिंक द क्लाउड इज मोर पावरफुल देन द सन, मेरे को लगता है कि जो क्लाउड है, बादल है, वो सूरज से ज़्यादा पावरफुल है, वो सूर्य से ज़्यादा
पावरफुल है. शिल आई देन टॉक टू क्लाउड सेड द सेंट. अब साधु कह रहा है कि मैं बात करूं अभी क्लाउड से. आई कैन चेंज यू इन टू अ क्लाउडलेट. मैं आपको क्लाउडलेट में चेंज कर देता हूं. सो फादर वॉन्टेड टू नो कि वो उसे क्लाउडलेट बना दें ऑपोजिट ऑफ क्लाउड सो दैट वो उससे शादी कर सकें. बट फादर सेड द माउस गर्ल. माउस गर्ल कहती है बट फादर डोंट यू थिंक द विंड इज स्ट्रॉन्गर देन द क्लाउड. अब उसके पास एक और चीज़ है जिसको वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानती है, दैट इज़ विंड. वो कहती है कि विंड आपको नहीं लगता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्लाउड से, बादल से. इट कैन ड्राइव अवे द क्लाउड सो ईजीली. वो कहती कि ये जो हवा है ये ईजीली जो क्लाउड से उसको बहा के लेके जा रही है. शिल आई देन टॉक टू द विंड. फिर अब साधु कहते हैं कि अभी मैं बात करूँ विंड से आपकी शादी के लिए. बट फादर सेड द माउस गर्ल. अब माउस गर्ल कह रही है बट फादर देर इज़ वन हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन द विंड ऑल्सो. यहाँ पे एक और भी है कोई जो विंड से भी स्ट्रॉन्ग है, और वो कौन है? हु कैन दैट बी? वो कौन हो सकता है? इट इज़ द माउंटेन सेड द माउस गर्ल. अब वो माउस गर्ल कह रही है कि ये माउंटेन है, मीन्स पहाड़. द विंड can't move the mountain. वो कहती कि हम देख सकते हैं जो हवा है वो इस माउंटेन को बहा के नहीं ले जा सकती, जैसे कोई ईजली बादल को लेके जा रही है वैसे जो माउंटेन है उसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, मतलब कि वो अब स्ट्रॉन्ग नहीं है. Shall I then talk to mountain? Asked saint. अब saint कहते हैं कि अब फिर मैं माउंटेन से बात करूँ. बट फादर वेट अ मिनट सेड द माउस गर्ल. अब माउस गर्ल कह रही है कि फादर अब एक मिनट वेट करो. लेट मी हैव लुक एट द माउंटेन बिफोर आई बिकम हिज ब्राइड. वो कहती है कि मेरे को ना आप एक बार माउंटेन को देखने दो इससे पहले कि मैं उसकी दुल्हन बनूँ. एंड शी वेंट आउट टू सी द माउंटेन. अब वो चली जाती है माउंटेन को देखने के लिए. शी केम बैक आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम के बाद वो वापस आती हैं. फादर शी सेड. वो कहती है फादर देर इज़ वन हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन द माउंटेन. यहाँ पे कोई और भी है जो माउंटेन से भी स्ट्रॉन्ग है. आई सॉ हिम मेकिंग होल्स इन टू द साइड ऑफ द माउंटेन. मैंने उसको देखा है कि वो माउंटेन की साइड पे होल बना रहा है. हाउ पावरफुल ही मस्ट बी. कितना पावरफुल होएगा वो. प्लीज लेट मी बी हिज वाइफ. आप प्लीज़ मेरे को उसकी वाइफ बना दो. मतलब वो मान गई कि अब फाइनली वो मान गई कि किसी से उसने शादी करनी है. अमीन सेड द सेंट विद द स्माइल. अब जो सेंट है वो अमीन कह के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है. मे इट बी एज यू विश. ऐसे ही होएगा जैसे आप चाहते हो, आपकी इच्छा है. एंड एट वंस द माउस गर्ल चेंज्ड बैक इनटू शी माउस. अब वो जो माउस गर्ल थी वो पहले भी फीमेल माउस थी, और जैसे ही वो कहती है दोबारा से फिर वो माउस में चेंज हो जाती है. शी माउस में चेंज हो जाती है, फीमेल माउस में मतलब चूहिया बन जाती है. शी रेन जॉयफुली इनटू द होल ऑफ अ बुल माउस. वो बड़ी खुशी से उस होल में चली जाती है वो जो मेल माउस ने बनाया होता है. मतलब वो अब फाइनली उसको जो समझ आ जाता है कि हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, गॉड ने हमें जैसे भी बनाया. पहले वो माउस ही थी और शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. उसको लगा कि बाकी चीज़ों में भी चार्म है, तो अलग अलग चीज़ों को उसने स्ट्रॉन्ग माना. पहले उसको लगा कि ह्यूमन बींग्स हैं, उसे कोई डर ही नहीं धरती पे. फिर उसको लगा कि सबसे पावरफुल कौन है जिससे मैंने शादी करनी. उसको लगा कि शायद जो सन है वो पावरफुल है. फिर हवा को सोचा, बादल, और उसके बाद माउंटेन. सब चीज़ों को देख के फाइनली उसको किस चीज़ में ज़्यादा खुशी नज़र आई, जो वो पहले ही थी, जो गॉड ने उसको पहले बना लिया था. सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न. हमें भगवान ने जैसे बनाया है हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए द वे वी आर. सो वी शुड बी ट्राई टू बी कंटेंट विद द थिंग्स वी हैव. जितनी भी चीज़ें भगवान ने हमें दी है जैसे भी बनाया, चाहे हमें कोई फॉल्स हैं, चाहे हमें कोई डिसफॉर्मेशन है किसी को भी, बट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी में ही खुशी ढूंढनी चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी. इट्स ब्यूटिफुल स्टोरी एट द माउस गर्ल. आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड रीडिंग दिस. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय टू यू ऑल एंड हैव अ गुड डे.